सब्सक्राइब करें स्टाइलएक्स को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक वो दौर था जब पाकिस्तान में टेलीविजन ने अपनी नशरियात शुरू की तो रेडियो पाकिस्तान के मंझे हुए स्क्रिप्ट राइटर्स और लबो लहजे पर अबूर रखने वाले फनकारों ने टेलीविजन को अपनी फनकाराना सलाहियतों से मालामाल किया। और अब एक जमाना ये है कि टेलीविजन ड्रामों की खूबसूरत, नाजरीन के दिलों की धड़कन और आला तालीम याफ्ता अदाकाराएं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उसका खोया हुआ मुकाम दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। देखा जाए तो अब ये रवायत बनती जा रही है कि किसी अदाकारा को फिल्मों में काम करना है तो वो पहले दो चार ड्रामा सीरियल्स में मरकजी किरदार अदा करे, फिर फिल्म इंडस्ट्री का रुख करे। पिछले 5 वर्षों में टेलीविजन ड्रामों की अदाकाराओं ने दर्जनों फिल्मों में अपनी फनकाराना सलाहियतों का जादू जगाया और शानदार कामयाबी और शोहरत हासिल की। बासलाहियत बाकमाल मायानाज अदाकारा माया अली ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने पहले ड्रामों में शोहरत हासिल करके टीवी नाजरीन के दिलों पर हुकूमत की और फिर फिल्मों की जानब आईं। 27 जुलाई 1989 को लाहौर में पैदा होने वाली अदाकारा माया अली ने क्वीन मेरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। वो बहसियत सहाफी मीडिया पर काम करना चाहती थीं, लेकिन बचपन से अदाकारी का शौक उन्हें शोबिज की दुनिया में ले आया। शुरू में उन्हें मुश्किलात का सामना रहा, पाकिस्तान टेलीविजन के एक ऑडिशन में नाकामी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ठान ली थी कि वो शोबिज के उफ पर सितारा बनकर जगमगाएंगी। माया अली ने बहसियत वीजे अपने कैरियर का आगाज किया। बाद में उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में भी काम किया और फिर 2011 में टेलीविजन ड्रामों की जानब आ गईं। एक से बढ़कर एक ड्रामा सीरियल्स में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। उन्हें जिन ड्रामों में लाखों टीवी नाजरीन ने पसंद किया उनमें सबसे मकबूल जियो की ड्रामा सीरियल एक नई सिंड्रेला था। इस ड्रामे ने माया अली को आम वीजे से टेलीविजन इंडस्ट्री की सुपरस्टार बना दिया था। इसके बाद तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सिंड्रेला में उन्हें उस्मान खालिद भट्ट के साथ बेहद पसंद किया गया। खोया खोया चांद में सोहाय अली अबड़ू और अहसन खान की मौजूदगी में खुद को मनवाया। मेरी जिंदगी है तू मैं भी वो मीनू के किरदार में अहसन खान के मद्दे मुकाबल कास्ट की गईं। लाडो में पली में लारेब के किरदार में सजल अली को टफ टाइम दिया। शनाख्त में कुरतुल ऐन, जिद में समन, मेरा नाम यूसुफ है मैं जुलेखा, दियारे दिल में फरा खान और सबसे अहम ड्रामा मन मायल में मन्नू के किरदार ने गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत हासिल करके बेहतरीन अदाकारा का लक्स स्टाइल अवार्ड हासिल किया। ड्रामा सीरियल सनम में उस्मान भट्ट के साथ उनकी जोड़ी ने एक मरतबा फिर मकबूलियत हासिल की। माया अली, अहसन खान और उस्मान खालिद भट्ट के साथ ज्यादा टीवी स्क्रीन पर जलवा अफरोज हुई और पाकिस्तानी सुपरस्टार अली जफर के साथ रिलीज होने वाली फिल्म तीफा इन ट्रबल में जलवे बिखेरती नजर आईं। टीवी ड्रामों में रोने धोने के किरदारों से निकलकर फिल्म में रोमांस और एक्शन करती दिखाई दी। तीफा इन ट्रबल में हानिया के किरदार में नजर आईं। अभी उनकी एक फिल्म रिलीज हुई नहीं कि उन्हें 7 दिन मोहब्बत इनके हीरो शहरयार मुनव्वर के साथ फिल्म परे हट लो में कास्ट कर लिया गया। ड्रामों से फिल्मों की जानब आने के बारे में उनका कहना है कि हमारे टेलीविजन ड्रामे पूरी दुनिया में दिलचस्पी और तवज्जो से देखे जाते हैं, जबकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की जानब गामजन हो गई है। उन्हें जब फिल्म के डायरेक्टर अहसन रहीम और अली जफर ने ऑडिशन के लिए बुलाया तो इब्तदा में वो फेल हो गई थी, क्योंकि उन दिनों अपने वालिद के इंतकाल की वजह से काफी डिस्टर्ब थी। बाद में अहसन रहीम और अली जफर को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने ऑडिशन के लिए एक और मौका दिया तो उन्हें कामयाबी हासिल हुई। वो उस मौका पर काफी नर्वस थीं। उन्होंने सिनेमा घर में अली जफर की फिल्म मेरे ब्रादर की दुल्हन देखी। वो कतरीना कैफ और इमरान खान के साथ जमकर अदाकारी कर रहे थे। माया अली ने कभी सोचा भी नहीं था कि चंद बरस में अली जफर की फिल्म की हीरोइन बनेंगी। माया अली से जब पूछा गया कि माहिरा खान और महविश याद की मौजूदगी में आपकी जगह कितनी बनती है, इस सवाल के जवाब में माया अली ने मुस्कुराते हुए बताया कि सब अच्छा काम कर रही हैं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। उनका कहना है कि मुझे फिल्मों में काम करने की पेशकश कई बरसों से मुसलसल हो रही थी। मेरे परिस्तारों और टीवी नाजरीन की जानब से मुझ पर बहुत प्रेशर था। जो भी मिलता था उसका एक ही सवाल होता था कि आप फिल्मों में कब आ रही हैं। मैं एक अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश में थी। माहिरा खान और महविश याद ने फिल्मों में अच्छा काम किया। माया अली को कई बार बॉलीवुड से ऑफर्स हुईं। एक बार बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की दावत पर मुंबई भी गईं। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुलाकात भी करवाई। सब चीजें फाइनल हो गईं।
लेकिन उस दौरान दोनों मुल्कों के हालात कशीदा हो गए और बात शूटिंग तक नहीं पहुंच सकी। वो कहती हैं कि फन को सरहदों में कैद नहीं किया जा सकता। दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के फनकारों को बेपनाह प्यार करते हैं, एक दूसरे की फिल्मों में काम करने में कोई बुराई नहीं। माया अली से जब पूछा गया कि आपकी अली जफर से पहली मुलाकात कब हुई थी, इस सवाल के जवाब में माया अली ने बताया कि अली जफर से मेरी पहली मुलाकात 4 वर्ष कबल मोबाइल कंपनी के टीवी कमर्शियल की शूटिंग के मौके पर हुई थी। उनसे तकरीबन 8 घंटे मुलाकात रही, इसके बाद कोई राबता नहीं रहा। माया को बचपन से ही अदाकारी का शौक था, वो घर में भी अदाकारी करती रहती, आईने के सामने मुख्तलिफ अदाकाराओं की नकल उतारती थी। उन्हें बचपन में फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। उनका कहना है कि सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखने का अपना अलग ही मजा है। जब माया अली से पूछा गया कि टेलीविजन की सुपरस्टार को जब फिल्म में काम करने की पेशकश होती है तो वो क्या सोचती है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि टीवी स्टार का फिल्म में काम करना एक रिस्क है। दोनों मीडियम अलग अलग और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिल्म ताकतवर मीडियम है, हर फनकार की ख्वाहिश होती है कि वो पर्दा सीमी पर जलवा अफरोज हो। माया अली ने बताया कि उन्हें सहाफत करनी थी, जंग और जियो में इंटर्नशिप भी की। जंग लाहौर के सहाफी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन किस्मत के साथ किसकी चलती है और वो फनकारा बन गई।